33 साल पहले रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी, एक ऐसा शो जिसे देखने के लिए लोग टीवी के सामने चिपक जाते थे। उस वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, टीवी ना होने पर पड़ोसी के घर में भीड़ जमा हो जाती थी। टीवी के राम सीता को लोग असल जिंदगी में पूजने लगे थे। ऐसा अलौकिक और चमत्कारी शो बनाकर रामानंद सागर हमेशा के लिए अमर हो गए। 80 के दशक के सीरियल रामायण की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। आज के समय में जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, तब भी रामानंद सागर के रामायण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। उस जमाने में ना तो इतने आधुनिक कैमरे होते थे और ना ही VFX। इसके बावजूद सीरियल से जुड़े सभी लोगों की मेहनत का नतीजा रहा कि उन्होंने हर सीन को जीवंत बना दिया। रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम आज दिखाने जा रहे हैं जो पर्दे के पीछे से ली गई है। तो आइए इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि रामायण सीरियल की शूटिंग कैसे हुई। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और स्वागत है आप सभी का। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। रामानंद सागर जी के लिए 80 के दौर में रामायण जैसा भव्य शो बनाना इतना आसान नहीं था। रामानंद सागर जो कि टीवी पर आने वाले फिल्म बनाते थे, उनका अचानक फिल्में बनाना छोड़कर टीवी का रुख करना कईयों को नहीं पचा था। फिर रामानंद सागर ने रामायण बनाने की सोची, लेकिन कोई भी इस ड्रीम प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। रामानंद सागर और उनके बेटे ने फंड जुगाड़ करने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। प्रेम सागर ने बताया था कि उनके पिता ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने ठाना हुआ था कि वे 3 माइथोलॉजिकल शो रामायण, कृष्णा और दुर्गा जरूर बनाएंगे। रामायण को सपोर्ट ना करने की खास वजह ये थी कि तब लोगों को लगता था मूछ और मुकुट का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। इसी बीच रामानंद सागर ने 1986 में शो बनाया विक्रम और बेताल। ये शो जबरदस्त हिट हुआ। विक्रम और बेताल के हिट होने के बाद रामानंद सागर की प्रोडक्शन कंपनी को रामायण के लिए स्पॉन्सर्स मिलने लगे। प्रेम सागर के मुताबिक विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख का बना था, लेकिन रामायण का हर एपिसोड बनने में 9 लाख के आसपास लगे थे। उस दौर में एक एपिसोड पर 9 लाख का खर्चा बहुत बड़ी बात थी। रामायण को उस वक्त का सबसे महंगा शो भी कहा जाता था। रामायण को शानदार व्यूअरशिप मिली थी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2003 के डेटा के मुताबिक रामायण के पहले टेलीकास्ट को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। रामायण को 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। BBC के अनुसार इस शो को दुनिया भर में 650 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा था। इसी के साथ रामायण दुनिया में सबसे ज्यादा देखा गया शो बना। रामायण की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे 3 बार एक्सटेंड किया गया था। पहले ये 52 एपिसोड की सीरीज थी, बाद में 3 बार एक्सटेंड होने के बाद इसके 78 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए। रिपोर्ट्स है कि रामायण का शूट 550 दिनों तक चला था। इसे गुजरात के उमर गांव में शूट किया गया था। भरत का किरदार निभाने वाले संजय जोग को मेकर्स ने लक्ष्मण के रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन वो शो को लंबा समय नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने ये रोल नहीं किया। अब फिल्मों और ऐसे शोज में VFX के जरिए तमाम इंस्टेंट और सीन को दिखाए जाते हैं, लेकिन उस पुराने जमाने में जब VFX कंप्यूटर आदि नहीं हुआ करते थे तो जुगाड़ से सीन क्रिएट किए जाते थे। रामानंद की रामायण में कुछ ऐसे ही किया गया था। रामायण में दिखाए गए युद्ध में तीर, अस्त्रों के लिए एक वार, बादलों की गड़गड़ाहट आदि के लिए खास तरीके के इफेक्ट्स तैयार किए गए थे, जो उस वक्त काफी मुश्किल हुआ करते थे। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस जमाने में कोई स्पेशल कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, तब कैमरे की मदद से ही इफेक्ट्स तैयार किए जाते थे। उन्होंने बताया कि रामायण की शूटिंग के वक्त बाजार में एक मशीन लॉन्च हुई थी जिसका नाम था CEG 2000, जिसकी मदद से धनुष और तीर वाले स्पेशल इफेक्ट्स तैयार किए जाते थे। उन्होंने बताया कि रामायण में तीर के आपस में टकराने वाले सीन, जो चिंगारी और आवाज निकलती थी, उसे क्रिएट करने के लिए शीशे की मैचिंग और मैकेनिकल इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं सुबह के कोहरे को दिखाने के लिए धूप बत्ती और अगरबत्ती के धुएं का इस्तेमाल होता था। वहीं रामायण में दारा सिंह ने हनुमान जी का किरदार निभाया था। जब रामानंद सागर ने उन्हें रोल ऑफर किया तो उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देकर काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब रामानंद सागर ने उन्हें मनाया तो दारा सिंह साहब ने पूरी शिद्दत के साथ इस सीरियल में काम किया। वह हनुमान के रोल में इस कदर रम गए थे कि उन्होंने शूटिंग खत्म होने तक चिकन मटन खाना छोड़ दिया था। दारा सिंह अब हमारे बीच नहीं है। उनके बेटे और एक्टर विंदु दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने रामायण की शूटिंग के दौरान नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। दारा सिंह पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में उन्हें नॉनवेज से बड़ा लगाव था, लेकिन वह राम और लक्ष्मण के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते थे, इसलिए उन्होंने तय किया था
कि जब तक सीरियल की शूटिंग खत्म नहीं हो जाती वह चिकन मटन का ख्याल तक नहीं लाएंगे। तो दोस्तों इसी बात पे कमेंट सेक्शन में जय हनुमान जरूर लिखें। और दोस्तों रामानंद सागर सीरियल को लेकर बहुत संजीदा थे, वह हर सीन में परफेक्शन चाहते थे। सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया बताती हैं, पहला एपिसोड 1 घंटे का था और उसे बनाने में करीब 15 दिन का समय लग गया था। वह महीने में 27 दिनों तक शूटिंग लोकेशन पे ही रहती थी, वहाँ मेकअप स्टूडियो होता था तो वह वहीं रहती थी और कोई भी मुंबई नहीं लौटता था। दीपिका चिखलिया तब महज 15.5 साल की थी। वह बताती हैं, हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सीरियल इतिहास रचने जा रहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम और सीता की वेशभूषा के बारे में बताया है और हमें वैसा ही दिखना था। यह पहली बार था जब टेलीविजन पर रामायण को दिखाया जा रहा था। उस समय टेलीविजन पर दिखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने रामायण के दिनों की कई यादें शेयर की हैं। राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अरुण गोविल ने कहा कि मुझे याद है मैं राम के किरदार के लिए ऑडिशन देने गया था लेकिन फेल हो गया। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ था। राम के लुक के साथ मेरा फोटो शूट हुआ लेकिन मैं राम जैसा नहीं लग रहा था। तब मैंने अपने लुक में एक स्माइल जोड़ दी और ये काम कर गया। सीता यानी दीपिका चिखलिया से रामानंद सागर ने कहा था, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, दर्शकों को ये बताना ना पड़े कि 2-3 लड़कियां चल रही हैं तो इनमें सीता कौन। इस तरह 4-5 स्क्रीन टेस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। कई राउंड के बाद दीपिका चुनी गई। रामायण की शूटिंग लोकेशन सूरत में उमर ग्राम में थी। दारा सिंह के साथ उनके बेटे विदु दारा सिंह कई बार सेट पर आते जाते थे। वह कहते थे सीरियल की पूरी कास्ट और क्रू ट्रेन से सूरत जाती थी, शूटिंग 5-6 दिन के लिए होती थी और फिर वे लोग वापस 2-3 दिन के लिए मुंबई आ जाते थे। ऐसे में आने जाने में भी लंबा समय लगता था। रामायण की इसी लोकप्रियता ने मेकर्स को लाखपति बना दिया था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रामायण का एक एपिसोड शूट करने के लिए रामानंद सागर 9 लाख रुपए खर्च कर देते थे। हालांकि रामायण के एक एपिसोड में इतने पैसे लगाने के बावजूद वह मालामाल हो जाया करते थे। दरअसल इस एक एपिसोड में मेकर्स 40 लाख रुपए कमा लेते थे। जी हाँ, उस जमाने में रामायण की एक एपिसोड से 40 लाख रुपए की कमाई होती थी, यानी 7 करोड़ में बने 78 एपिसोड में कुल 31 करोड़ की कमाई हुई थी। और दोस्तों उसके साथ ही रामायण ने कई रिकॉर्ड भी बनाए थे। रामानंद सागर की रामायण को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। उस समय इस शो की व्यूअरशिप 650 मिलियन थी। बता दें रामानंद सागर की रामायण का यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। दिलचस्प बात तो यह है कि रामानंद सागर की रामायण सिर्फ 1987 में ही नहीं आज भी पॉपुलर है। लॉकडाउन के समय जब रामायण को एक बार फिर दूरदर्शन पर प्रकाशित किया गया था तब इस शो के एक एपिसोड को 7.7 करोड़ लोगों ने देखा था, जिसके साथ यह सीरियल एक बार फिर से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया था। तो दोस्तों अब आपको पता चल ही गया होगा कि रामायण की शूटिंग किस तरह से हुई थी, इसे बनाने में मेकर्स को कितनी मेहनत लगती थी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो शेयर करें हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।